बात की, नोवो रेपनॉय से चल के शूटिंग रेंज की तरफ जाता हुआ ये फ्लाइट पाथ इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या उस डेस्परेशन की वजह से कुछ इनिशियल ड्रॉप क्लैशेस वो हमें देखने को मिल सकते हैं। टीम एरर स्पोर्ट्स की बात करें, गलतियां तो खैर बहुत की हैं फोर हॉर्समैन, उनका भी सफर उतना बेहतर गया नहीं। क्लू अभी तो आई थिंक दैट दे आर हैविंग नॉट सो काफी अच्छा रहा है उनका। देखिए एक रिडेम्पशन टूर्नामेंट जैसे कि हम बातचीत कर भी रहे थे, बट दूसरी तरफ 8-bit XCS की बात करें, रौनक वो अकेले फंसते हुए नजर आएंगे और फोर हॉर्समैन आएंगे और रौनक को काफी आसानी से वो जो जगह मिल सकती है। वहीं अगर बात की जाए सिली की, वो नहीं चाहते कि क्लू वहां पे होल्ड करे, वो नहीं चाहते कि क्लू को कोई क्लू मिले और सीधा रश आया सिली की तरफ से क्लू के ऊपर। टीडीएस का एक्शन हम जानते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक वो साबित हो सकता है। वहीं पे सीढ़ी पे तो इंसान बैठा हुआ है, चलिए सूर्य वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे बट पहले अपने आप को हील करते भी नजर आएंगे। मैन एडवांटेज पूरी तरीके से इनके पास मौजूद रहने वाला है, पर दिक्कत ये कि क्लू के भी तीन खिलाड़ी है बट वो बहुत ओपन में आए और इंस्टेंटली उज्जवल को वहां पे डाउन किया गया। सैम अब वो बचते हैं, आखिरी खिलाड़ी मिडवे आए उनको वो कितना ज्यादा पीछे, और ऐसे में एक फाइट जिसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक ओपनिंग नॉक निकाला गया नियो के द्वारा। देखिए एक नहीं दो निकल गए अब तो यहाँ पे और बहुत ही शानदार तरीके से सोल ने कंटेस्ट करा है इस फाइट के अंदर। अब जो नॉक निकले हैं उनको फिनिश करने के लिए नियो आगे जाएंगे और कुछ ज्यादा ही आसानी से यहाँ पे दो फ्राग मिल गए। मुझे लगता नहीं कि इससे बेहतर शुरुआत हो सकती थी टीम सोल के लिए। और यहाँ पे अब बचे हुए प्लेयर्स अब जली को देखिए वो सदर्न साइड से जाने की कोशिश कर रहे हैं बट फॉरेस्ट एप्स ये एक इंपॉर्टेंट फाइट जो उनके लिए रहने वाली है। सामने बीआर टाइटंस, बट बीआर टाइटंस के दो प्लेयर्स अभी भी थोड़ा पीछे की तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं बट ऐसे में वो पीछे से कुछ बढ़िया एंगल से कवर फायर भी दे सकते हैं। ये एक बढ़िया ग्रेनेड जो जाएगा और एक ही ओपी उनको सबसे पहले डाउन किया जाएगा। विज गॉड उनका भी काफी बढ़िया रिटेलिएशन जहां पर इंस्टेंटली पहाड़ी को उन्होंने शट डाउन किया, बट अब गॉड प्लेस के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आती है। और अभी भी आप देखिए वो एक खिलाड़ी स्केल्टन वो अभी भी व्हीकल के अंदर बैठे हुए, यानी कि कवर फायर देने के लिए मात्र एक ही खिलाड़ी यहां पर मौजूद, पर देखना ये कि क्या वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो जाएगा और बीआर टाइटंस के नाक के नीचे से एक ही ओपी को किया जाएगा रिवाइव। देखिए रिवाइवल तो हो गया बट नंबर गेम का एडवांटेज अभी भी यहाँ पे एप्स के पास है और एप्स एक एक करके अब शायद वहां पे मुश्किलों में आएंगे। स्केलेटन यहाँ पे रीलोड पे चले गए, डीपीएस उनके सामने बट गॉड प्लेस वो आए अपने डीपीएस के साथ, एक अच्छा नॉक भी निकाला, थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में है थोड़ा देखना पड़ेगा बट अब मुश्किलें बढ़ाई गॉड प्लेस ने एक और नॉक वो निकालते हुए एप्स। विज गॉड अब आखिरी प्लेयर बचे हैं, एक 1v1 का सिनेरियो यहां पे बन चुका है S12K के सामने। यहां पे व्हाट वाज दैट शॉट दैट वाज क्रेजी गॉड प्लेस, एक गॉड प्ले उनकी तरफ से 3K निकाला, एप्स को करा समाप्त, दैट वाज इनक्रेडिबल। जी हां बात करेंगे उसके बारे में बट अभी के लिए टीम सोल की बात करें तो गॉब्लिन वो अब एक आखिरी खिलाड़ी जो यहां पे सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। रिवाइवल को भी कोई भी मौका मिलेगा नहीं और बैक टू बैक वहां पे स्लैमेंस, इनफैक्ट व्हीकल रनओवर्स वो हमें देखने को मिल रहे हैं। दिस इज व्हाट डेस्परेशन लुक्स लाइक। एफएस की बात करें वो यहां पर आएंगे डाउनहिल, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा बट मुश्किलें तो एफएस की भी बढ़ सकती हैं। देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा ये जो डिप्स होती है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है जब भी ऐसे नेड्स आते हैं, बिकॉज छुपने की ज्यादा जगह है नहीं, स्कैटर आप हो नहीं सकते, वही थोड़े से कन्फाइंड एरिया में आप फंस के रह जाते हो। बैक टू बैक नेड्स तो आ रहे हैं बट अभी भी जो रिवाइवल की प्रक्रिया है वो एफएस की तरफ से चालू हो चुकी है। चलिए एक और नेड आएगा, एक और प्लेयर यहाँ पे डाउन, मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं। एफएस आए तो थे, काफी ज्यादा वैल्यू निकाली, फिनिशेस उनको मिले बट अब वो भी खतरे के कगार पे हैं और खत्म होने वाले हैं लगता है। Look, they are having a taste of their own medicine. जिस प्रकार से वो मात्र एक खिलाड़ी टर्बो अब बचे हुए और उनका भी सर्वाइवल मुझे मुश्किल ही लग रहा है, बट टर्बो ही है जिन्होंने वो चारों फिनिशेस निकाले हैं और एक बड़ा इंपैक्ट उन्होंने क्रिएट करा है। हाथ में ग्रेनेड था ऑनकोर के और उनको इंस्टेंटली टेकडाउन किया जाएगा और अब एक 1v3 की बची है ये बैटल। देखना ये कि क्या टर्बो एक बार फिर से वो 1v4 करके जाने वाले, एक और खिलाड़ी ऊपर आएगा, एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे टर्बो, वो अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मौका है उनके पास कि वो अपने आप को हील कर सके बट पैराडॉक्स ही इज कुकिंग अ ग्रेनेड। देखना ये कि क्या ये ग्रेनेड कनेक्शन बना पाएगा, वो स्प्लैश डैमेज वो भी काफी रह सकता है बट वो ग्रेनेड बहुत पीछे जाएगा। टर्बो वो अपने आप को हील कर चुके हैं, वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि पीछे से संयम वो कवर फायर देते हुए नजर आ रहे हैं बट ये ग्रेनेड दिस लुक्स गुड वन। जी हाँ वो जाएगा भी, टॉप डॉग को वहां पे डाउन किया गया। पैराडॉक्स की बात करें वो अभी भी सरवाइव करते हुए नजर आएंगे बट टर्बो उन्होंने पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में पलट लिया है। संयम को आना पड़ेगा यहाँ पे, कवर देना पड़ेगा, अगर वो नहीं आ पाते तो मुश्किलें जरूर है बट टर्बो क्या गेम बदला उन्होंने, बट अब वो भी यहाँ पे नेट को करते नजर आए। पैराडॉक्स को वो नॉक निकालना चाहिए था बट पैराडॉक्स अब वो भी पीछे गए हैं। टर्बो ये नेट पूरी किस्मत बदल सकता है अगर ये नेट सही जगह जाता है तो। चलिए नेट गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूरी पे चला गया वो नेट बट अब दो प्लेयर्स आ चुके हैं ऊपर और मैं देख रहा हूँ कि संयम कहाँ है, वो कवर क्यों नहीं दे रहे पीछे से। एनकोर यहाँ पे रिवाइव का शुरू हो चुका है और संयम को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। मेडल ईस्पोर्ट्स जो लग रहे थे यहाँ पे आके इस डिप पे सारी टीम्स को यहाँ पे भगाएंगे बट अब एफएस ईस्पोर्ट्स के तर्पण ने पूरा गेम पलट दिया और लास्ट मैन स्टैंडिंग एनकोर, क्या वो अब कुछ कर पाएंगे? जी नहीं, एंकी
मेडल ईस्पोर्ट्स आई तो थोड़ा करीब देखने को मिल जाएंगे। फोर हॉर्समैन की बात करें वो भी एजेस के ऊपर मौजूद। सर्कल के अंदर में भी जाना है टीम गॉडलाइक को, बट ऑलरेडी गेट कीपिंग जो हमें टीम एक्स पार्क के द्वारा देखने चुकी है। एक टिप का एरिया जो टीम एक्स पार्क के पास मौजूद है। ग्रेनेड बेहतर था, ड्रीम सुन के बहुत करीब जाएगा। जी गॉड की बात करें वो भी थोड़ा लो ऑन एचपी, बट पुकार की पोजीशनिंग काफी अभी तक फ्रैग्स निकाले नहीं टॉप 8 में, वो आज जरूर चुके हैं। और ये जोन जब शिफ्ट होएगा इनसे यकीनन दूर जाता आपको नजर आएगा। ये ग्रेनेड ये पुकार को डाउन कर सकता है। जोनाथन का एक ग्रेनेड, देखते हैं क्या वो कनेक्शन बनाएगा। जी हां, करीब बहुत ज्यादा गया, बट बचेंगे वहां पे पुकार। और अभी भी बैक टू बैक वो स्मोक्स की जो वॉल है वो क्रिएट की जा रही है, क्योंकि सर्कल जो है वो यहां से दूर भी जा चुका है। तो टीम गॉडलाइक टीम एक्स पार्क इन दोनों ही टीम्स को अभी भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। बट इसी के साथ सारंग वो ओपनिंग नॉक निकालेंगे, जी गॉड को वहां पे डाउन किया गया। जोनाथन वो थोड़ा ओपन में आए थे, चेक करेंगे अपना एंगल और यहां पर व्हीकल रन ओवर करने के लिए स्प्रे गॉड वो ऑलरेडी आगे जा चुके हैं। एक परफेक्ट सिनर्जी जो अभी तक हमें देखने को मिली है, बस मिलेगा इधर अगर गॉडलाइक जरूर, बट अगर कोई नॉक हुआ यहां पे ओपन में तो रिवाइवल की कोई संभावना नहीं बनती। एचपी काफी ज्यादा कम, जोनाथन को गिराया जाएगा यहां पे और दो प्लेयर्स गॉडलाइक के अब नॉक्ड हैं। सारंग के ऊपर कुछ रिटेलिएशन भी आए हैं, उनको भी अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। टीम गॉडलाइक का भी एक बेहतर मूव था कि हाँ वो इस फाइट को अवॉइड करें और सर्कल के अंदर जाएं। बस दिक्कत ये कि उनके पास वो कवर्स एडिक्वेट मात्रा में मौजूद थे नहीं। जेली भी डाउन है और अब मात्र एक खिलाड़ी जो टीम गॉडलाइक के बचेंगे। चलिए उनकी भी समाप्ति हो चुकी है और इसी के साथ टीम भी जाना पड़ेगा। एमजी के कुनाल वो बैक टू बैक ग्रेनेड जरूर से स्पैम कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को बचा पाना बहुत मुश्किल। वो एक बढ़िया मोलोटोव था बट वो फिर बट चलिए अभी के लिए डब्ल्यूएसबी के खाते में वो फिनिश। और ये एक और फिनिश और ये जाएगा इस बार 8-bit एक्स के पास सर्कल के अंदर जाने की कोशिश। बट एरर ईस्पोर्ट्स ऑलरेडी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। एक पेड़ का कवर जरूर लेंगे बट डब्ल्यूएसबी मुश्किलें उनके लिए भी बढ़ेंगी क्योंकि अब मात्र एडवांटेज उनके पास। सीको गेमर दैट नीड वाज एवरीथिंग। लियो वाईटी को डाउन किया गया माइटी अभी के जोन के बाहर। टीम एक्स पार्क कोशिश तो वो भी करते हुए कि जोन के अंदर वो जगह बनाए, बट 8-bit वो भी उनको रोक रहे हैं और एरर ईस्पोर्ट्स वो भी इनको रोकते हुए। माइटी वो सर्कल के अंदर अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुकार के कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रेट करें, वो रिवाइवल इनिशिएट किया जा चुका है। पुकार वो ब्लू जोन को आउट, लेट स्टेज पे उनके पास कुछ भी होगा बट माइटी उनको डाउन किया गया, खत्म भी करा जाएगा। कैप्टन करेजियस पुकार एक कप्तानी पारी यहां पे खेलते हुए। और पुकार एचपी थोड़ी कम है, बूस्टर्स नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हील करेंगे अपने आप को। और लियो माइटी इनके लिए भी बहुत जरूरी, दैट नीड वाज रियली गुड। पुकार को खत्म किया जाएगा। दो टीम्स बची हैं, एक 1v3 सिचुएशन में लियो वाईटी और वो पिन डाउन थे, वो फंस गए थे। और